यस सर, मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज हुआ और मैं एज एक्टर फिल्म मेकर यहाँ काम करता हूँ। सौरभ भाई हमारे क्षेत्र यानी बिहार से बिलोंग करते हैं और हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हम लोग साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करें और हमें अवसर मिला है, ईश्वर की कृपा है, और हम लोग करने जा रहे हैं। जिस फिल्म का नाम है ग्रीन कार्ड, जिस फिल्म में सौरभ भाई ने कास्ट के तौर पे प्रियंका चोपड़ा को सोचा है, साथ में अर्जुन रामपाल को सोचा है, और उसमें अर्जुन रामपाल जी के फ्रेंड का एक कैरेक्टर है जिसके लिए इन्होंने मुझे सोचा है। तो एक डायरेक्टर की सोच है और मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सौरभ भाई ने इस लेवल पर मुझे सोचा। और जैसा कि मैंने पिछले काफ़ी सालों से बहुत कुछ सीखा है तो इन्हें लगा कि एक क्रिएटिव पार्ट ये मुझे दे सकते हैं। तो एज अ क्रिएटिव हेड इन्होंने बोला कि इस फिल्म में एज अ क्रिएटिव हेड आप काम करेंगे, जितने भी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर आपकी नज़र रहेगी और उसे आप कंट्रोल करेंगे। और इस तरह से इन्होंने एक मौका दिया तो मैंने सोचा कि बिल्कुल हम लोग साथ मिलते हैं और करते हैं। और बाकी मेरी शुभकामनाएँ सौरभ भाई के साथ जी। ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार हैं जो हमारी टीम है, इतनी बड़ी टीम आई है, सबके आभारी हैं, सब लोग मेहनत करके इस चीज़ को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। और क्रिस्टिन जी, इस फिल्म को जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, और बहुत ही समाज सेवा वगैरह करती हैं फॉरेन में रह के भी। उनका जो प्यार है भारत के प्रति वो हमें बहुत आकर्षित कर रहा है और हमें बहुत खुशी है कि वहाँ रह के भी वो जहाँ की वो मूल निवासी हैं वहाँ के बारे में वो सोच रही हैं, वहाँ के लोगों के बारे में वो सोच रही हैं। और वो उन्होंने हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को करें, और बस यही अपना प्रयास रहेगा हमारा कि हम उनके जो भी उनकी जो सोच है, उन्होंने जो सोचा है हम लोग के बारे में, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर हम लोग खड़े उतरें और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट को बनाएं और रिलीज़ करें। और मैं और सौरभ भाई मिलके हम लोग तकरीबन आने वाले वक्त में 4-5 वेब सीरीज़ और प्लान कर रहे हैं जो कि कुछ गाँव के परिवेश से जुड़ी हुई सत्य घटनाओं से प्रेरित होगी। और हम लोग बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं और हम लोग करेंगे। इसी तरह हम लोग भारत का और खासकर बिहार का पूरे विश्व में नाम ऊंचा करना चाहते हैं। क्रिस्टिन जी आएंगे? नहीं, क्रिस्टिन जी कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पाई हैं। तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद हमें भेजा है और उन्होंने बोला है कि तुम लोग रॉक करो। अभी कुछ कलाकारों को फाइनल नहीं किया है? नहीं, हमने साइनिंग नहीं करा, लेकिन ये बात ऑफिशियली अनाउंस हो रही है कि हमने प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया है। आज ही शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, प्री प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। बस भाई को जानता हूँ, वो ही मेरा परिचय है, बाकी मैं फिल्म से उतना ही वाकिफ हूँ जितना आप हैं, जो कि बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरी टीम को, जो ऑलरेडी हैं, जो आने वाले हैं, हूएवर इज़ वर्किंग, गॉड ब्लेस देम। और प्रोजेक्ट बन के निकल जाए बस वही सब कुछ, ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। जी, मेरा शुभ नाम रावरण विजय हुआ, मैं बतौर अभिनेता पिछले 8 वर्षों से मुंबई में हूँ, काम कर रहा हूँ। सौरभ जी, इस फिल्म से अभी तक तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है 2 दिन पहले सौरभ ने मुझे बताया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ एक प्रोजेक्ट को लेकर के। मैं भी अपने शूट में बिजी था, बहुत मुश्किल से समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ यहाँ पर वेल विशिंग के लिए कि भाई एक नौजवान लड़का, अगर सबसे अच्छी बात है कि सोच तो बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ा, ड्रीम बिग होना चाहिए। तो सौरभ जो है, जिस उम्र में, मैंने जैसे स्टेज से भी बोला था कि इस उम्र में, जिस उम्र में अपना सौरभ है, मैक्सिमम मुंबई में आपको फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स ही दिखते हैं, लेकिन इस उम्र का एक लड़का जो बहुत बड़े लेवल पर कुछ करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि एज अ फ्रेंड, एज एन ऑडियंस, हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप आगे बढ़ो, आप बढ़ोगे 200, 400, 600 लोगों को काम मिलेगा उसमें। हम लोगों की आज पहली बार हम लोग मिल रहे हैं और आगे आपको बताएंगे इस फिल्म से कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत खुशी की बात है कि आज इसका मुहूर्त हुआ है। कोशिश जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, आज एक इसका नींव रखी गई है, तो यह नींव जल्द ही ऐसा है कि एक मुकाम बने और यह फिल्म शूट पर पहुँचे। और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ भारद्वाज जी के, एक टैलेंटेड डायरेक्टर है और इनकी प्रोफाइल आज हम मिले पहली बार हैं, लेकिन इनका काम देखा तो एक बहुत अच्छा काम है। तो कोशिश ये कि नया काम करे, एक नया कोशिश करे तो उस मुकाम तक पहुँचे। और हॉलीवुड की एक फिल्म करना, इंग्लिश फिल्म करना, एक बहुत बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है। और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ तो मैं भी बहुत खुशी इस बात की,
और कृष्णी मैम जो हैं वो कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क से हैं और एक समाज सेविका भी हैं बहुत, और काफ़ी टाइम से वो हर वीरवार को एक सामाजिक कार्य करती है फ्री, यानी कि हर घर का सामान गरीब ज़रूरतमंदों को वो सामान एक वितरित करती है, और एक बहुत अच्छा है उनका एक नाम है, मुकाम है, गरीब ज़रूरतमंदों की वो हेल्प करती रहती है, हॉस्पिटलाइज है लोगों की मदद करती है, घर घर में जा कर के वो उनकी मदद करती है। तो इससे दिल से मैं उसको उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक बहन की तरह मानता हूँ, मुझे भी अपना छोटा भाई मानती है, छोटे भाई सौरभ भी भाई की तरह ही है, तो मेरा यही एक दिल से है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी सिरे चले। ऑलरेडी अब सोशल मीडिया ऐसी दुनिया बन गई है कि अब यहाँ से लेके उत्तरी, मतलब इस ध्रुव से लेकर उस ध्रुव तक पहुँचना आसान हो गया है, तो कॉन्टेक्ट हो गया, अपन लोग हैं। और मैं पिछले साल इंडो अमेरिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, हम लोगों ने मिलकर कराया था, इंडिया से बहुत सारे लोग थे और वहाँ से भी लोग थे, अमेरिका से भी लोग थे, तो उसमें एज ए जूरी मेंबर मैं नियुक्त किया गया था, यंगेस्ट जूरी मेंबर था मैं शॉर्ट फिल्म्स के लिए, तो उसके माध्यम से हमारा कॉन्टैक्ट बना हुआ था। ऑलरेडी इंडिया अमेरिका से हम लोग का रिलेशन एक बिल्डअप हो रहा है फिल्म लाइन से, तो हम लोग का उसमें रिलेशन बिल्डअप हुआ था। बिल्कुल दो गाने हैं इसमें और दोनों इंग्लिश गाने हैं, लेकिन इंडोर शूट है और शूट हम लोग यहाँ इंडिया ही करेंगे उस चीज़ का। इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, अंजलि बनर्जी हैं, एज ए एक्ट्रेस काम कर रही है मार्केट में और मेरी अच्छी मित्र में से एक हैं, तो हमने इस फिल्म का जैसे मेरे पास आया तो हमने इनको प्रपोज किया, अप्रोच किया इस फिल्म को लेकर कि अब अपने पास एक फिल्म आई है, इसको साथ में मिलकर करते हैं, अच्छा कैरेक्टर इस फिल्म में, और जैसे ही शुरुआत होती है उसके बाद हम लोग प्री प्रोडक्शन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो एक अच्छा सा किरदार इनका है, वाइफ का कैरेक्टर है और मुझे उम्मीद है कि बखूबी निभाएंगी। जी मेरा नाम अंजलि बनर्जी है और अभी तीन साल चार साल हो गया एक्चुअली इंडस्ट्री में, और कुछ डेली सोप्स किए हैं मैंने, वेब सीरीज़ वगैरह किए हैं, अच्छे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स किए हैं, कॉमेडी शो मेरा काफ़ी फेमस रहा है, खटमल इश्क, बीवी के नखरे फॉर सब टीवी, और वेब सीरीज़ जैसे एक थी बेगम पार्ट वन में निशा का कैरेक्टर था, काफ़ी पसंद किया है लोगों ने। और ये जो फिल्म जो करने वाले हैं हम, ग्रीन कार्ड, तो इंटरनेशनल मूवी है ऑब्वियसली और इंग्लिश लैंग्वेज इसका इंग्लिश है, तो सौरभ जी ने जब मुझे, मेरे अच्छे दोस्त हैं काफ़ी टाइम से जानते हैं इनको, तो इन्होंने जब ये प्रोजेक्ट के लिए बोला तो मैंने बोला कि हाँ कुछ, मतलब हिंदी तो ऑब्वियसली मैंने अभी कहा सभी बनाते हैं, बट कुछ लोग ही हैं जो इंग्लिश मूवीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये और भी जो अपने इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें भी ये डब किया जाएगा मूवी, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब लोग देख सके ऐसी कोई मूवी, और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है, तो कोशिश है कुछ नया करने का, ब्लेसिंग्स रही, गॉड विशेस रहा, तो ये कुछ नया होगा मार्केट। और सबसे मेन बात है कि सर जो है डायरेक्टर हमारे, ये बहुत मेहनती हैं, मतलब एक छोटे से शहर से फिर यहाँ मुंबई तक का सफ़र, और अभी ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे मूवी बना रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग। मेरा कैरेक्टर है, वाइफ का कैरेक्टर है जो इन्होंने मुझे बताया था, ज़्यादा कुछ रिवील तो नहीं कर सकती, बट ये है कि बहुत मतलब एक मुझे बहुत सारे मूड्स इसमें मिलेंगे, मतलब प्ले करने के लिए, तो इट्स वन ऑफ द मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, प्रोमिनेंट कैरेक्टर। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ऋषभ भारद्वाज, हमारे मित्र भी हैं, आर्टिस्ट हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट में, काफ़ी सारे सीरियल में काम किया इन्होंने, और इस फिल्म में जो एक फ्रेंड का कैरेक्टर हमारा अर्जुन रामपाल जी का फ्रेंड है, अगर हमारे अर्जुन रामपाल जी मतलब फाइनल होते हैं तो मतलब जो भी एक लीड एक्टर के फ्रेंड का कैरेक्टर उनके साथ कैरेक्टर है, तो ऋषभ को मैंने वो कैरेक्टर दिया है कि इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे और अच्छा चल रहा है, बाकी मेहनत ही है। ऑफकोर्स वी अप्रोच, हम लोग वहाँ तक प्रोजेक्ट पहुँचा चुके हैं और एक होपफुली उम्मीद है कि वहाँ से चांसेस है कि हम कर सकते हैं, और नहीं आता है तो क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी अनाउंस नहीं किया इस चीज़ का कि हमने साइन कर लिया, हमने फाइनल कर लिया, नो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो लोग ज़रूर साथ में हमारे काम करेंगे, क्योंकि मैंने जो अपनी पिछली फिल्म की थी नेल पॉलिश, उसमें भी हम अर्जुन रामपाल के साथ में काम कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लगा था काम करके, और जब हमें बताया सौरभ भाई ने कि वो हैं लीड में, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, और हमें आशा है कि वो लोग साथ काम करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ क्योंकि एक नया जब कैरेक्टर मिलता है, खैर मेरे हिसाब से जो भी मैं कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ वो ऐसा नहीं है कि हाँ आज ये इंग्लिश मूवी है तो ही मैं एक्साइटेड हूँ, हर एक कैरेक्टर के लिए मैं एक्साइटेड उतना ही रहती हूँ। होता भी है, हर किरदार सबके लिए नया होता है, चैलेंजिंग हर चीज़ होता है।
ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट में, जैसे सीरियल आर्टिस्ट सीरियल में काफ़ी इन्होंने काम किया है। हमारा इनका परिचय मैम के थ्रू ही हुआ है, ऑलरेडी मैम के फेसबुक फ्रेंड हैं, और तो देखा जाए तो मोस्टली हम हैं, रमेश जी हैं या शाहरुख हैं और जितने भी लोग हैं ना, मैक्सिमम फेसबुक से हम लोग कनेक्टेड हुए हैं और एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप हुआ है। तो उन्होंने बताया कि शाहरुख है मुंबई में, अच्छा काम कर रहे हैं, तुम उनसे मिलो, बात करो, देखो अगर अच्छा होता है तो अपने फिल्म के लिए जोड़ लो, अपनी फिल्म को लेकर बात करो। तो हमारी जो इसमें फ्रेंड का करेक्टर जो आ रहा है, जो लीड करेक्टर उनके फ्रेंड का जो करेक्टर आ रहा है, उसमें एक करेक्टर शाहरुख का भी है और अच्छा करेक्टर, होपफुली उम्मीद है कि अच्छा कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, मतलब मुझे उम्मीद है और चाहूँगा कि उम्मीद पर खरा उतरें। बाकी शाहरुख अपनी मेहनत कैसे क्या कर रहे हैं बताएंगे। आप बताएं जी, मेरा जो क्रिश्चन जी ने बताया कि प्रियंका मैम के साथ में जो उनका फ्रेंड का करेक्टर है, उनसे ही मेरी बातचीत हुई थी। मैं सौरभ जी से मैं आज मिला हूँ पहली बार और उनसे मेरी काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही है। वो काफ़ी टाइम से मेरे फ्रेंड है, तकरीबन 7-8 साल पहले से। और बाकी मैं तो डेली शॉप करता हूँ, बालाजी के 4 शो कर चुका हूँ मैं और वेब सीरीज़ भी की, मूवीज़ भी की। अब मौका मिल रहा है भारद्वाज जी के साथ काम करने का और वो भी एक इंग्लिश पिक्चर में, तो खुशनसीब है मेरी इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है और एक इंग्लिश पिक्चर में, तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओके, आर्यन अग्रवाल हैं और यहाँ ऑलरेडी मेहनत काम चल रहा है इनका, वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कर रहे हैं, मेहनत ही है काफ़ी हमारे फ्रेंड सर्किल में, तो हमने बोला कि इसको मिलकर करते हैं, बट इतना बड़ा फिल्म है तो अकेले सौरभ कुछ कर नहीं सकता है, हमें एक मतलब 100 लोगों की टीम कम से कम चाहिए होगी। तो हमने बोला कि मिलकर इसको करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो हमारे टीम मेम्बर्स हैं और इस फिल्म में कैरेक्टर भी करेंगे और कुछ टेक्निकल वर्क भी है वो भी इसको करेंगे। आर्यन से बहुत ज़्यादा परिचित तो हूँ मैं, जैसे कि शॉर्ट फिल्म देखी, वेब सीरीज़ देखी, लगातार ये भी जुनून चल रहा है, पूरा काफ़ी जुनून चल रहा है। अब बताएंगे आर्यन। बेसिकली मैं एज एन राइटर, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, हमने मिलके बहुत सारा काम किया है, ठीक है, और जो कंटेंट मैं लेके चलता हूँ बेसिकली वो जॉनर मेरा हॉरर होता है, ठीक है। अब इनके साथ में मिलके हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है, आगे ये जो भी चाहेंगे, जैसे अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं तो शॉर्टली इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारा पूरा सपोर्ट है, हमारी पूरी टीम का सपोर्ट है इनके साथ में। थैंक यू।